नेपाल संबंधों पर नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा आयोजित परिचर्चा की गई। आपको बता दें कि इसमें भाजपा नेता डॉक्टर विजय जौली के साथ साथ इस अवसर पर नेपाल शहरी विकास राज्य मंत्री रामबीर मानधर मुख्य वक्ता रहे हैं। यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिलेशन को देखते हुए यह विजय जौली की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई थी। आपको बता दें कि उनका कहना है कि भारत नेपाल संबंधों का आधार धर्म व संस्कृति है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, जहाँ पर मानधर जी का स्वागत करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से COVID-19 की शुरुआती दौर में भारत ने नेपाल को 30,000 PCR किट भेजी थी और 23 टन दवाइयाँ भी भेजी। उनका कहना है कि नेपाल के प्रति भारतीयों का असीम प्यार और सम्मान बताया। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, जहाँ पर नेपाल शहरी विकास राज्य मंत्री रामबीर मानधर पहुंचे हैं और इनका स्वागत भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। यहाँ पर मीडिया प्रभारियों के साथ साथ काफ़ी लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने इनका बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर जौली का कहना है कि दोनों देशों के बीच टकराव को दरकिनार कर आपसी समझदारी व मित्रता से ही दोनों पड़ोसी देशों की समस्याओं का समाधान व विकास होगा, क्योंकि ना ही कभी मन मुटाव पहले था और ना ही अब है, इसलिए नेपाल और भारत हमेशा साथ चलकर ही काम करेगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विजय जौली एक किताब को भी भेंट कर रहे हैं मानधर जी को, जिस किताब का नाम है इंडिया कॉलिंग। उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी जगहों का दौरा किया और किस कारण से दौरा किया है। साथ ही साथ नेपाल का भी 4 बार दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए यह किताब उनको भेंट की जा रही है। और उनसे आग्रह किया गया है कि इस किताब को जो प्रेसिडेंट है ओली उनको दिया जाए, ताकि उनको पता चल सके कि किस कारण की वजह से उन्होंने नेपाल में दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितनी बार दौरा कहाँ कहाँ पर कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह पूरा कार्यक्रम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया था दिल्ली स्टडी ग्रुप के द्वारा। के कुरामा त्रुटि र केही तलमाथि परेकोमा म तपाईँहरूसँग क्षमा माग्छु र सबैभन्दा पहिला म सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र नेपालमा दिल्लीमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण आदरणीय भारतमा रहनुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूसँग आज जुन किसिमको यो नेपाल र भारतसँग सम्बन्धका कुराहरू गर्न जाँदैछु त्यसमा म धेरै विज्ञ भएर म भन्न चाहन्न, त्यस कारण अलिकति तपाईँ यो विषयमा त्यो पुरै टिम है, भूपेन्द्र कञ्चनजी हैं, गोपाल गर्गजी हैं, लोकना आसिफ हैं, डॉक्टर अशोक हैं, योगेश टंडन हैं, नरेंद्र चावला हैं, कल्पना गर्ग हैं और बहुत से मेरे अन्य पदाधिकारी जिन्होंने मिलकर नॉन गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर ये एनजीओ का प्रयास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 107 विदेश यात्राएं, जिनके अंदर नेपाल की 1, 2, 3, 4 ये मैंने फ्लैग किए हैं और आदरणीय मंत्री जी को ये इसलिए भेंट किया है इनके कर कमलों से नेपाल के यशस्वी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को ये भेंट करे और हमारा प्रणाम करे। देखिए भारत और नेपाल के संबंधों के ऊपर भारत आए मंत्री रामबीर जी का हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनको नेपाल और भारत के संबंधों के ऊपर बड़े ध्यान से तन्मयता से सुना। ये इनका कोई राजनीतिक भाषण नहीं था और इन्होंने जिसमें भारत और नेपाल के संबंधों को धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और आगे बढ़ाने और बल देने की बात करी है, हम उससे पूरा सहमत हैं। और हमें लगता है राजनीतिक घटनाक्रम के चलते कभी कभी गतिरोध आ जाए, लेकिन धर्म के चलते, संस्कृति के चलते दोनों देश कल भी, आज भी और आगे भी मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर विकास के पथ पर चलेंगे। जैसा कि जौली जी का कहना है कि पहले भी रिलेशन काफ़ी अच्छे थे नेपाल और भारत के और आने वाले समय भी अच्छे होंगे, तो उस पर क्या कहना है आपका? मतलब ये कथा नहीं, राजनीति करने वाले लोग ऐसा थोड़ा बहुत कुछ अपने फायदे के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा अभी कहा ना मन और तन से हमारा रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होगा।